हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप बताऊंगी पार्टी वेयर ड्रेस कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। हमारी ये नेट है और ये साटन में हमने कपड़ा लिया है, तो आज हम पार्टी वेयर बच्चों के लिए ड्रेस बनाएंगे। देखिए, हम अपनी जो साटन है हम साइड में रख लेते हैं, हम नेट पे कट करेंगे। हम नेट खोल लेते हैं पूरा। देखिए हमारी नेट है और इसमें देखिए कढ़ाई से फ्लावर बने हुए पूरे में। देखिए इस तरह हमें डबल फोल्ड कर लिए, इसे हम एक बार फोल्ड करेंगे। देखिए इसे हमें फोर फोल्डिंग कर लिए, देख सकते इस तरह हमने। देखिए हम इसमें गाउन बना रहे हैं, तो पहले हम ऊपर का ब्लाउज कट करेंगे इसका। देखिए इसकी जो लंबाई लेंगे 12.5 इंच लेंगे हम। देखिए इसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। शोल्डर हम 5.5 इंच ले लें, मोटी भी हम 5.5 इंच लेंगे। ये हम 28 साइज के बना रहे हैं, तो हम फोर फोल्डिंग में 7 इंच ले लेते हैं और इसमें 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें, और इसमें हम 1.5 इंच की चुड़ाई देंगे। और ये हम कट स्लीव बना रहे हैं, आप स्लीव भी लगा सकते हैं इसमें। देखिए इस तरह, और शोल्डर तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच में निशान लगा लेते हैं। इसका नेक कट करेंगे हम, तो इसकी जो नेक की लंबाई लेंगे वो हम 3.5 इंच लेंगे। सेम होगा हमारा फ्रंट भी और बैक भी, और इसमें हम 1 इंच की गुड़ाई देंगे इस तरह। सेम इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमने कट कर लिया है। देखिए इसे हम साइड में रख लेते हैं। देखिए इस तरह हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब नीचे का हम अम्ब्रेला का घेर कट करेंगे इसका। देखिए इस तरह हमने डबल फोल्ड किया, इसे हम एक बार फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह ऐसे हम पूरा सेट कर लेते हैं नीचे से भी। मैंने फोर फोल्डिंग कर लिया है क्रॉस में, देख सकते हैं इस तरह। अब हम इसकी कमर लेंगे। देखिए कमर 22 है, तो फोर फोल्डिंग में 5.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह, और पीस हम 6.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे भी हम 6.5 इंच लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह हम राउंड शेप लेते हैं ऊपर से। देखिए इस तरह, और यहां से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो देखिए 12.5 इंच पे हमने इसका टॉप कट किया, तो वो हमारा तैयार है 12 इंच आएगा। तो हम 12 इंच से लंबाई लेंगे इसकी, 35.5 इंच तैयार में, ये 34.5 इंच जाएगा क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। यहां से बीच में से भी हम 35.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह हम कट कर लेते हैं नीचे भी और ऊपर भी। हमने कट कर लिया है। देखिए हमें लाइनिंग में डबल फोल्ड कर लिया है जिस तरह सेम हमने गाउन के लिए। देखिए क्रॉस में फोल्ड किया था इस तरह, सेम इसमें इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह हमने फोल्ड कर लिया फोर फोल्डिंग में, और जो हमने नीचे का घेर कट किया था सेम इसे भी हम इस तरह रख देंगे इसके ऊपर, जिससे कि हमें काटने में आसानी रहेगी। देखिए अब सेम इस पर हम कट कर लेंगे। देखिए मैं लाइनिंग भी कट कर लिए और नेट भी मैं कट कर ली, इसे हम साइड में रख लेते हैं। देखिए नीचे मैंने लाइनिंग डबल फोल्ड कर लिया है, इसके ऊपर नेट रख लिए इस तरह, और सेम डाफे से हम कट कर देते हैं।
देखिए इस तरह हमने कट कर लिया। सेम इसी तरह हम बैक साइड को भी कट कर लेते हैं। देखिए हमने फ्रिल के लिए पट्टी कट करी है 5.5 इंच लंबी, देख सकते हैं इस तरह। इसकी हम नीचे फिनिशिंग देंगे और उसके बाद पूरे में फ्रिल डालेंगे हम इस तरह। देखिए इस तरह हमने कट कर लिया है। देखिए जो हमने फ्रिल के लिए पट्टी कट करी है इस तरह हमारा ये ऊपर आएगा, बैक से पूरा राउंड शेप में जाएगा इस तरह हमारी फ्रिल को। और हमने नीचे अमेरिका का गाउन भी कट कर लिया, ऊपर ब्लाउज भी कट कर लिया। और इसकी स्टिचिंग वीडियो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी, जिससे आप देखना ना भूले, जिससे आपकी पूरी डिजाइनर ड्रेस तैयार हो जाएगी बनके। देखिए इस वीडियो में आपको स्टिचिंग के बारे में बता रही हूँ, और इससे मैंने पहले एक वीडियो डाली है इसकी, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको इसके कटिंग के बारे में बताया है। देखिए ये हम अम्ब्रेला कट गाउन बना रहे हैं। तो देखिए हमने ये ऊपर का कट किया है ब्लाउज, और ये नीचे का हमारा घेर है। नीचे देखिए नेट हमने सीधी रख ली है, और इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे इस तरह पूरा सेट करते हुए, और हम नेक पे सिलाई लगाएंगे राउंड शेप में। देखिए इस तरह में सिलाई लगा दी, इस अंदर फोल्ड कर देंगे हम इस तरह लाइनिंग को, और हम नेक के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे एक और। देखिए नेक पे हम सिलाई लगा दिए, अब इसमें प्लेट डालेंगे, ये हमारा फ्रंट वाला है। देखिए इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, यहां से हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और देखिए इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 4.5 इंच लेंगे। सेम इस तरह मैं पीछे भी निशान लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने निशान लगा लिया, इसकी प्लेट डालेंगे हम। देखिए इस तरह मैंने दोनों प्लेट डाल दी, अब बैक साइड का तैयार करेंगे हम। देखिए हमारा बैक साइड का है, हमने एक बीच में से कट कर लिया क्योंकि हम जिप लगाएंगे पीछे इस तरह। और देखिए नीचे मैंने नेट सीधी रखी है, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है, सेम नेक हम तैयार कर लेते हैं फ्रंट। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, अब इसे पलटेंगे हम लाइनिंग को इस तरह, और इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे हम। देखिए मैं नेक तैयार कर लिया, जैसे मैं फ्रंट पे प्लेट डाल दी सेम इसी तरह बैक साइड पे प्लेट डालेंगे। देखिए इस तरह मैं दोनों प्लेट डाल दिए, अब हम जिप के लिए पट्टी लगाएंगे। पट्टी कट करिए 2-2 इंच पे, और इस तरह हम इसे डबल फोल्ड करेंगे, और इस तरह हम 1/2 इंच अंदर दबा देंगे इसे, और स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगा दी, इसे पलटेंगे इस तरह, और इसके ऊपर में एक सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड की पट्टी तैयार कर ली है। देखिए इस साइड से हम इसे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे इस तरह रखेंगे हम नीचे से, और ये हमने जिप ली है इस तरह, नीचे से हम 2 इंच का गैप देंगे, और यहां से जिप के ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह, और जो दूसरे साइड का है इसे भी हम अंदर फोल्ड करेंगे इसे। अब देखिए हम इस तरह जिप के ऊपर इस तरह रखेंगे, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह आएगी ये, इस तरह हमारा इस तरह आएगा, और यहां पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह। देखिए मैं जिप भी लगा दिए, अब हम फ्रंट वाला इसमें अटैच करेंगे। देखिए इस तरह रखा हमने, इसके ऊपर इस तरह रखेंगे हम, और दोनों शोल्डर ज्वाइंट करेंगे।
देखिए हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिया, डबल स्लाइव लगा दिए। अब हम आम गोल में फिनिशिंग देंगे। देखिए हमने क्रॉस में पट्टी कट करी है 1.5 इंच चौड़ी, इसे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और पूरे आम गोल में फिनिशिंग देंगे। देखिए इस तरह में फिनिशिंग दे दिए, इसे फोल्ड करेंगे अंदर और एक सिलाई अंदर लगाएंगे। देखिए इस तरह में फिनिशिंग दे दिए, इस तरह में दूसरे आम कोण में फिनिशिंग दूंगी। देखिए हमने दोनों आम कोण में फिनिशिंग दे दिए और हमने साइज के अनुसार मार्क कर लिया है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। मैं साइज के अनुसार सिलाई भी लगा दिए, अभी से हम पलटेंगे। देखिए इस तरह अब हम नीचे का तैयार करेंगे। देखिए जो हमारा लाइनिंग था एक साइड हमारा कट आएगा, तो एक साइड हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दिए, सेम इसी तरह हम नेट में भी सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं दोनों साइड सिलाई लगा दिए, लाइनिंग में भी और नेट में भी। देखिए इस तरह मैं सीधा कर लिया है लाइनिंग, अभी हम सीधा करेंगे। अब देखिए नेट हम इस तरह लाइनिंग के अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरह अब पूरे में सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए इस तरह में सीधा रखा है और जो ऊपर का ब्लाउज था हमारा इसे हम इस तरह उल्टा रखेंगे, इसके अंदर डालते हुए इस तरह। देखिए इस तरह और हम पूरे में सिलाई लगाएंगे राउंड शेप में। देखिए ब्लाउज में जो हमारा मार्जिन था इसे हम इस तरह फोल्ड कर देंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है, इसमें हम डबल सिलाई भी लगा देंगे। देखिए मैं डबल सिलाई भी लगा दी है। देखिए इस तरह अब नीचे हम फिनिशिंग देंगे। देखिए हम लाइनिंग में और नेट में एक संग फिनिशिंग देंगे इस तरह फोल्ड करते हुए। इस तरह मैंने पूरे में फिनिशिंग दे दी नीचे। देखिए 5 इंच लंबी हमने पट्टी कट करी है और देखिए इसे हम इसकी हम फ्रिल डालेंगे यहाँ पे। देखिए हमारे बीच में से कट थी हमने ज्वाइंट कर लिए और नीचे हम फिनिशिंग देंगे। मैं फिनिशिंग दे दी है और दूसरी साइड हमारी किनारी आ रही है तो मैं फिनिशिंग की कोई जरूरत नहीं है इसमें। देखिए मैं दोनों साइड फिनिशिंग दे दी है। देखिए नीचे गाउन हमने सीधी रख ली है और ऊपर नेक से हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह दोनों साइड और इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेम इस तरह मैं पीछे भी निशान लगा लेती हूँ। देखिए यहां से हम फ्रिल डालेंगे। देखिए हमने आम गोल तक लगा लिया, इसके बाद हम प्लेन फ्रिल डालेंगे नेट में।
इस तरह हमने फ्रिल डाल ली 6 इंच तक, और इसे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, फ्रंट साइड लगाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने आम गोल तक लगा लिए, फिर इसका फिर सिंपल प्लेट डालेंगे। देखिए हमने प्लेन प्लेट डाल ली, अब इसे पलटेंगे हम इस तरह, यहाँ पे भी हम 6 इंच इस तरह छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा बैक साइड का हमने देखिए प्लेट डाल दी है, और हमने चैन भी लगा दी, देख सकते इस तरह, देखिए इस तरह आएगा इसका लुक। आम गोल पे देखिए इस तरह आएगा दोनों साइड, और देखिए हमारा ये फ्रंट साइड का है, देखिए इस तरह। देखिए बीच में हमारी सिलाई आ रही है, यहाँ पे हम इस तरह ये रिबन लगा देंगे, दोनों साइड सिलाई लगाएंगे हम। देखिए हमने रिबन भी लगा दिया, हमें दोनों साइड सिलाई लगा दी है, और देखिए बैक साइड हमारा इस तरह हम गांठ लगा देंगे इस तरह। देखिए नेक पे फिनिशिंग दे दी, प्लेट भी डाल दी हमने, देख सकते हैं इस तरह फिनिश पूरे में ये हमारी आम गोल में आएगी, देखिए इस तरह दोनों साइड, और हमने रिबन भी लगा दिया, और देखिए नीचे में फिनिशिंग दे दी पूरे में, तो देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे फ्रंट साइड का। तो अब हम बैक साइड का दिखाएंगे, देखिए हमारा बैक साइड का है, हमने जिप भी लगा दी, देख सकते हैं इस तरह, इस तरह और बैक साइड में फ्रिल डाल दिए, और जो हमने रिबन डाला था इसमें, तो इस तरह हम गांठ लगा देंगे पीछे, नीचे फिनिशिंग दे दिए, तो देख सकते हैं कितना सुंदर लुक हमारे गाउन का। इस आसान तरीके से आप भी सुंदर सी ड्रेस बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज